Hello dear student, welcome back. This is me Shehzad and again I'm here with the beautiful words that is word power. आज हम लोग पढ़ेंगे क्या different words जो basically use होता है और कुछ ये क्या है natural cause related है कुछ इससे attached है और देखते हैं आज सबसे पहला जो इससे देख रहे हैं यहाँ पे right side में जैसे क्या है ये डकार का अंग्रेजी सीखेंगे आज. डकार का क्या अंग्रेजी उसको क्या बोलते हैं डकार है हिचकी है जमा लेना है ना पेशाब करना खर्राटे लेना ये सारे वर्ड जो देख रहे हैं आप राइट साइड में ये सब कुछ आप लोग इसके बारे में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे और इसका अंग्रेजी आज जानेंगे. इसलिए वीडियो में मेरे साथ आप बने हुए रहें. और वर्ड पावर कहा जाता है कि जैसा इंग्लिश वर्ड पावर इज अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. जैसे कि सपोज आपको अगर बिजनेस सेटअप करना है तो आप क्या करते हैं सबसे पहले इसकी कैपिटल की जरूरत पड़ती है. अगर आपके पास कैपिटल है तो आपका बिजनेस आसानी से सेटअप हो जाता है और आसानी से वो राइजिंग करता है. जस्ट इज उसी तरह से क्या है कि जब तक आपके पास वर्ड पावर नहीं है यू कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ पीपल. ओके सो वी नीड नंबर ऑफ अमाउंट यू कैन से वर्ड पावर टू बूस्ट अप एंड ब्रश अप आवर इंग्लिश. सो आप समझ सकते हैं कि वर्ड पावर को क्या कहा जाता है. वर्ड पावर इज अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. कभी कभी एक वर्ड की वजह से क्या होता है पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं और लैंग्वेज एक वर्ड से स्टार्ट होता है उसका फिर से एक सेंटेंस फिर एट द सेम टाइम मेरे सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस यू कैन बूस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस यू कैन ब्रश ऑफ योर कॉन्फिडेंस एंड यू कैन स्पीक डे बाय डे एंड यू कैन इंक्रीज योर फ्लुएंसी. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. लेट्स स्टार्ट. आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वर्ड जो है अब जैसा कि देख पा रहे हैं राइट साइड है डकार है. डकार को अंग्रेजी बोलते हैं बेल्च. क्या बोलते हैं बेल्च BELCH बेल्च. दूसरा क्या है हिचकी. हिचकी को अंग्रेजी बोलते हैं हिकअप. फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं हिकअप. नेक्स्ट वन क्या है जमाई लेना है ना. कभी कभी जमाई लेते हमारे हाथ मुंह में पड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं जमाई लेना है ना. इसको आम भाषा में हामी काटना भी बोलते हैं उसको बोलते हैं यौन. क्या बोलेंगे उसको यौन. नेक्स्ट वन देखते हैं जैसे हवा खारिज करना है ना इसको बोलते हैं फार्ट. यहाँ पे आर क्या है साइलेंट है क्योंकि आर के बाद क्या है टी डेट मीन्स कॉन्सनेंट. आप इसको आपको समझ में नहीं आएगा तो आप आर फैक्टर जाके देख सकते हैं कि कब आर का उच्चारण नहीं होता है. ओके नेक्स्ट वन क्या है पेशाब करना या पेशाब इसको बोलते हैं पी. क्या बोलते हैं पी बोलते हैं उसको. नेक्स्ट वन देखते हैं खर्राटे लेना है ना. कुछ लोगों की आदत होती है कि खर्राटे लेने की आदत होती है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्नोर. क्या बोलते हैं S N O R E snore. यहां भी R साइलेंट है. ओके अब नेक्स्ट वन देखते हैं छींकना. ठीक है ये क्या है एक तरह से नेचुरल कॉज आप बोल सकते हैं इसको कोई रोक नहीं सकता है तो ये किसको बोलते हैं स्नीज. क्या बोलते हैं इसको स्नीज. नेक्स्ट वन देखते हैं हांफना. कभी कभी क्या होता है अचानक कहीं दौड़ के आते हैं इधर उधर है ना हांफते हैं ना तो उसको बोलते हैं गैस. क्या बोलते हैं इसको गैस. आगे देखते हैं इसमें क्या है रोंगटे खड़े होना. ठीक है रोंगटे खड़े होना इसको अंग्रेजी बोलते हैं गूज बम्स. क्या बोलते हैं गूज बम्स. नेक्स्ट वन देखते हैं यहां पे बोलते हैं चुटकी बजाना. चुटकी बजाना जैसे बोलते हैं चुटके से बजाते हैं उसको बोलते हैं स्नैप द फिंगर्स. नेक्स्ट वन यहां पे क्या है खाते समय आवाज निकालना. कुछ लोगों की आदत होती है चपड़ चपड़ खाने की आदत एंड दैट्स अ बैड हैबिट बेसिकली. ओके एंड दैट्स नॉट गुड दैट्स अ गुड नॉट गुड यू कैन से गुड मैनर. ओके तो चपड़ चपड़ जो आवाज निकलता है इसको बोलते हैं सलप. क्या बोलते हैं सलप. यहां भी आर साइलेंट है. नेक्स्ट वन देखते हैं यहाँ पे गटागट पी जाना है ना इसको बोलते हैं क्वैफ. क्यू यू ए एफ एफ क्वैफ मतलब क्या होता है गटागट पी जाना. आगे देखते हैं चूसने का अंग्रेजी. ठीक है चूसने का जैसे कुछ चीजें हैं जैसे आइसक्रीम वगैरह क्या चूस के लेते हैं तो उसको बोलते हैं सक. क्या बोलते हैं सक. सक मतलब चूसना. ओके ये वर्ब है. और लास्ट वन क्या है चाटना. जैसे शहद वगैरह चाटना होता है इसको बोलते हैं लिक. लिक का मतलब क्या होता है चाटना. चलिए आई होप ये वीडियो ये वर्ड आपको अच्छे लगे होंगे और ये बेसिकली यूज होता है. आगे फिर मैं एक नए वर्ड पावर के साथ एक नए वीडियो बनाऊंगा. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत. थैंक यू सो मच.